हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन फाइंड एंड नोट टू रूट पाथ इन अ बाइनरी। तो लाइए इसे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो हमें जैसे 70 मिला, हमें 70 के लिए बताना है कि वो है कि नहीं है और फिर उसका नोट टू रूट पाथ देना है। तो फाइंड डिस्कस कर देता हूँ। नोट टू रूट पाथ इज़ वेरी सिमिलर। देखिए इसमें क्या सीन होता है, इनफैक्ट हम दोनों को एक क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन ना बनाएं तो एक ही क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। देखिएगा, फाइंड करना है हमारी 50 से एक्सपेक्टेशन है, फाइंड ऑफ 50,70 से एक्सपेक्टेशन है कि वो 50 के ट्री में सबको चेक करके ये बताएगा 70 मिला या नहीं। ये इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो हमारा फेथ पता है हम क्या रख सकते हैं कि 25 ये काम करना जानता है और 75 ये काम करना जानता है। लेकिन 25 और 75 से तब पूछेंगे जब ये बंदा खुद 70 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये बंदा खुद ही 70 होता तो नीचे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखना, मैं भी कुछ लिखूंगा फिर उसका ड्राई रन कराऊंगा। इसमें क्या होता है, पांच हिस्सों में कोड आपका बटने वाला है। ज़रा देखिएगा पांच हिस्से वो क्या है। तो बूलियन सबसे पहले, फाउंड इन सेल्फ, ठीक है, तो इनिशियली फॉल्स है। पर अगर नोड का डेटा आपके साथ डेटा के साथ इक्वल हुआ तो फाउंड इन सेल्फ की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू। अगर खुद ही बराबर हो तो बात ही खत्म हुई, अगर खुद बराबर नहीं हो तो फाउंड इन लेफ्ट चाइल्ड। तो फाइंड से कॉल लगाया, तो ये जो कॉल है ना ये सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड को नहीं दिखता, लेफ्ट चाइल्ड के सारे सबट्री को देख के आपको बताता है कि उसमें कहीं मिला या नहीं। अगर लेफ्ट में कहीं भी मिला, लेफ्ट सब चाइल्ड में कहीं भी मिला तो हम कहेंगे मिल गया, आगे क्यों जाना है। कोड के यहाँ तक पहुँचने मतलब क्या होगा, खुद बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड में मिला नहीं तो कहाँ देखें, राइट साइड में देखना होगा, क्या करें। नोड डॉट राइट कॉमा डेटा, अगर राइट साइड में कहीं मिला तो भी हम कह देंगे हाँ मिल गया ना ओवरऑल, या तो डेटा पे मिल जाता या लेफ्ट साइड में मिल जाता या राइट साइड में मिल जाता, कहीं भी मिल जाए हम तो उसी में खुश हैं। और कोड के ना, अगर कोड यहाँ भी नहीं फंसा और यहाँ तक पहुँचा, इसका सिंपल मतलब है कि ना खुद बराबर है, ना लेफ्ट में मिला ना राइट में मिला, तो अब नहीं ही मिलेगा, रिटर्न फॉल्स। और ऊपर ऑफकोर्स नोड नल का बेस केस तुम्हें हैंडल करना चाहिए, अगर गलती से नोड नल पास हो जाए तो ये खाली नोड में तो कुछ मिल ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो पांच हिस्से हो गए कोड के, बेस केस कि नल वाला केस, खुद बराबर वो वाला केस, लेफ्ट में मिला वो केस, राइट में मिला वो केस और कभी नहीं मिला वो केस, टोटल पांच केसेस हुए। तो अगर मैं इस कोड को आपको एनालाइज कराऊं तो ये कोड एनालाइज करना ज़रूरी है। मैं आपका गौर उस तरह दिलवाना चाहता हूं कि इसे आधा यूलर चलता है, ठीक है। लाइए इसको हम एक बार अपने ट्री के लिए चलाएंगे और रियलाइज़ करेंगे ये आधा यूलर कैसे चलाता है, ये पूरा यूलर क्यों नहीं चलाता है। 50, 25, 75, 62, 80, हाँ चलो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12, 37, 62, 87, 30, 40, 60, 70, लेटेस्ट से हम 40 को ढूंढ रहे हैं। तो देखिएगा, प्री ऑर्डर में चेक कर रखा है, फिर ये कॉल है, यहाँ से आंसर नहीं आता तो ये कॉल लगाते हो, ठीक है। तो वही मैं स्टाइल यूज़ करूँगा, यहाँ पर कोड पहुँचा, ये खुद तो 70, हम 70 के लिए ढूंढ रहे हैं, खुद तो 70 के इक्वल नहीं है तो लेफ्ट की कॉल लग गई। अब ये खुद तो 70 के इक्वल नहीं है, लेफ्ट की कॉल लग गई। अपने समझना ज़रूरी है कि कोड कहाँ पर पहुँच चुका है। 50 पे कोड पता है कहाँ है, 50 पे कोड बेटा ये कर चुका है और ये कॉल लगा चुका है, यहाँ पर वेट कर रहा है। 25 का कोड भी ये कर चुका है और यहाँ की कॉल यहाँ पे वेट कर रहा है। 12 पे भी यहाँ ऊपर पहुँचे ही पहुँचे हैं। अब ये 70 तो है नहीं, इसने लेफ्ट की कॉल लगाई नल है वहाँ से फॉल्स आया, इसने राइट की कॉल लगाई नल है वहाँ से फॉल्स आया। 12 को समझो, मैं 12 द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम समझ सको, ठीक है। देखो 12 पर आया ही आया है, सबसे पहले आते ही इसने ये चेक किया, खुद तो 70 है नहीं तो उसने लेफ्ट की कॉल लगाई, लेफ्ट की कॉल लगाई तो वो नल के यहाँ से फॉल्स लाया, फॉल्स लाया तो कोड यहाँ पे आया, इसने राइट की कॉल लगा दी वहाँ से भी फॉल्स लाया, तो अब इवेंचुअली इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब अपने दिमाग में ना 25 बन जाओ, 25 बन के सोचो कोड कहाँ पर है, 25 में कोड सोचो यहाँ से गुजर चुका है मतलब ये चेक हो चुका है, लेफ्ट से वापस आ चुका है मतलब यहाँ से फॉल्स लाया है, ये फॉल्स लाया है यहाँ से और फिर फॉल्स है तो ये भी हो चुका है। अब कोड यहाँ पर है, 25 के लिए कोड यहाँ पर है, कैसे पता लगा, इधर से गुजर चुका है और लेफ्ट से वापस आ चुका है तो राइट जाने की तैयारी में, तो यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये खुद तो 70 है नहीं तो इसने लेफ्ट पे भेजा, तो ये खुद तो 70 हम किसके लिए ढूंढते हैं, लेटेस्ट से हम, हाँ 70 के लिए ढूंढ रहे हैं, हम 60 के लिए ढूंढ लेते हैं, 70 बहुत दूर से आएगा, या हम 40 के लिए ढूंढ लेते हैं, ठीक है।
खुद तो 40 है नहीं, तो उसने लेफ्ट पे भेजा, वहाँ से फॉल्स आया, राइट पे भेजा, वहाँ से फॉल्स आया, तो ओवरऑल फॉल्स रिटर्न हो गया। अब 37 है, इधर भेजा, ये खुद ही 40 है, तो इसने यहीं से ट्रू रिटर्न कर दिया। अब 37 बन के सोचो, 37 बन के सोचो, खुद 40 नहीं था, लेफ्ट साइड में 40 नहीं मिला था, राइट साइड में 40 मिल गया, तो यहाँ नहीं जाएगा, यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा। अब 25 बन के सोचो, खुद तो 40 नहीं था, अपनी लेफ्ट साइड पे 40 नहीं मिला, उसकी राइट साइड पे 40 मिल गया, तो उसने यहाँ से रिटर्न कर दिया। 50 बन के सोचो, खुद तो 40 नहीं था, लेफ्ट साइड पे 40 मिल गया, तो राइट की कॉल ही नहीं लगाएगा, यहीं से लौट जाएगा, तो आधा यूलर चला। ठीक है, एज सुन एज 40 मिला, आप घर की तरफ भागे और ट्रू रिटर्न करते हुए निकल गए। ठीक है, तो अगर वापस जाते हुए तुम एक एरर लिस्ट में ऐड कर लेते, तो 40, 37, 25, 50 भी बन जाता। अमेजिंग चीज़ ये हो जाती, ये भी बन जाता। ठीक है, तो फाइंड के अंदर जब आप घर जा रहे होते ना, तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक स्टैटिक डेटा मेंबर रख के उसमें ऐड कर लें तो। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं वैसे ही करूँगा, मैं कोड चेंज कर दूँगा, मैं ये वाला कोड मे बी ना लिखूँ, मैं इसी में कर दूँगा। तो मैंने ये बनाया है एक एरर लिस्ट, यहाँ से ना नोड टू रूट पाथ की जो अलग कॉल लगी हुई है, आई विल नॉट यूज़ दैट, मैं फाइंड को ही इस्तेमाल करूँगा और उसी में पाथ को प्रिंट कर लूँगा। ये पाथ नाम का मैं एक एरर लिस्ट बनाऊँगा, पाथ ये है, और कॉल लगाने से पहले, फाइंड को कॉल लगाने से पहले मैं पाथ को न्यू एरर लिस्ट कर लूँगा, तो वो ट्रू फॉल्स तो बताएगा ही, वापस आते हुए से भर भी लाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो ट्रू से रिटर्न कर रहा है ना, वो वहाँ वहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब वहाँ वहाँ उसको रास्ता मिल रहा है। तो जब यहाँ से 40 से रिटर्न किया था, फिर इसके राइट साइड पर ट्रू आया था तो इधर से रिटर्न किया था, फिर इसके राइट साइड से ट्रू आया था इधर से रिटर्न किया था, इसके लेफ्ट साइड से ट्रू आया था इधर से रिटर्न किया था, तो जहाँ जहाँ से वो रिटर्न कर रहा है वापसी में, जिस जिसको हिट कर रहा है रिटर्न ट्रू से जस्ट पहले वाली लाइन पे, नोड का डेटा उसमें ऐड करते रहेंगे, तो हमारा पाथ हमें मिलेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रू था मैंने वहाँ वहाँ ऐड किया, तो वापस आके अगर मैं पाथ प्रिंट करूँगा तो दिस शुड वर्क। एक बार मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, कुछ मिस्टेक है, हमने इसको शायद स्टैटिक मार्क नहीं किया है, तो मैं इसको स्टैटिक मार्क कर देता हूँ। स्टैटिक का मीनिंग मैंने आपको आज तक नहीं बताया है, लेकिन अभी के लिए हम ये सोच सकते हैं कि स्टैटिक फंक्शन में स्टैटिक डेटा मेंबर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये चल रहा है, तो बस मेरे को आपको जो लास्ट चेंज आपसे डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है पाथ में, और यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, वो क्या सीन था, जैसे 40 ने यहाँ से ट्रू रिटर्न किया था, तो उसने एरर लिस्ट में 40 डालकर ट्रू रिटर्न किया। अब इसकी राइट साइड से ट्रू आया था, राइट साइड से ट्रू आया था मतलब यहाँ से ट्रू आया था, तो इसने खुद को डालकर रिटर्न किया। 25 के राइट साइड से ट्रू आया था, 25 ने खुद को डालकर रिटर्न किया। 50 के लेफ्ट साइड से ट्रू आया था, तो उसने खुद को डालकर रिटर्न किया। ठीक है, तो हमारा पता है फेथ इसमें क्या बन रहा है, कि वो ट्रू फॉल्स तो बताते ही हैं, ट्रू फॉल्स तो बताते ही हैं, जैसे 50 की 25 पे क्या फेथ बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि वो ट्रू फॉल्स तो बताता ही है, साथ ही साथ वो पाथ में नोड से लेकर खुद तक का रास्ता भी बताता है। ठीक है, अगर वो ट्रू फॉल्स बताता है और ट्रू बता देता है और नोड से लेकर उस तक का रास्ता बता देता है, तो ट्रू तो आप रिटर्न करोगे क्योंकि आपकी राइट साइड पे मिल, आपकी लेफ्ट साइड पे मिल चुका है, और आपको वो नोड टू रूट पाथ, नोड टू 25 का पाथ बता रहा है, आपको नोड टू रूट बनाने के लिए नोड टू 25 के अंदर खुद ही को तो ऐड करना है, तो नोड टू 25 में हमने खुद को ऐड कर दिया, तो पूरा पाथ बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मतलब इसमें सारी ट्रिक आधे यूलर की होती है, कि वो आधा यूलर कैसे चलाएं, तो आधे यूलर के बेटा कोड के 5 हिस्से हो जाते हैं, बेस केस, सेल्फ, लेफ्ट, राइट और कुछ भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।